हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं। तो इस टाइप का फोटो एडिटिंग सीखने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोग मेरा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप भी ऐसा फोटो एडिटिंग कर पाइएगा। तो इस फोटो को अभी हम लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन पर कर लिया हूँ सर, और यहाँ पर ओपन पे क्लिक करके इस फोटो को कर लेते हैं यहाँ पर ओपन। तो इस फोटो को यहाँ पर ओपन कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर ओपन करने के बाद अभी हम जाएंगे लाइट वाला ऑप्शन पर। तो एक बार हम लाइट वाला ऑप्शन पर कर लेते हैं फटाक से क्लिक। लाइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर, इसका कॉन्ट्रास्ट इसको कर देना है प्लस करके, यहाँ पर रखना है आप लोगों को, इसको रखना है यहाँ पर 43। उसके बाद आप लोग को दिख रहा है नीचे इसका हाईलाइट, इसका हाईलाइट को भी कर देना है यहाँ पर माइनस। कितना माइनस करेंगे दोस्तों? इसका हाईलाइट को माइनस करके रख देंगे यहाँ पर 92। उसके बाद आप लोग को दिख रहा है नीचे इसका शैडोज, इसका शैडोज को भी करेंगे इंक्रीज। कितना इंक्रीज करेंगे दोस्तों? इसका शैडोज को करेंगे इंक्रीज 6। और इसका जो है व्हाइट, इसका व्हाइट को भी करेंगे यहाँ पर माइनस। कितना माइनस करेंगे दोस्तों? इसको रखेंगे 23। उसके बाद आप लोग को नीचे दिख रहा है इसका ब्लैक, इसका ब्लैक को भी करेंगे यहाँ पर माइनस। कितना माइनस करेंगे दोस्तों? इसको रखेंगे माइनस करके 16। उसके बाद इतना करने के बाद अभी हम जाएंगे कहाँ पता है? तो हम जाएंगे कलर वाला ऑप्शन पे, और कलर वाला ऑप्शन पे आने के बाद जो आप लोग को दिख रहा है इसका टैंप, इसका टैंप को करेंगे इंक्रीज। कितना इंक्रीज करेंगे दोस्तों? इसका टैंप को इंक्रीज करके रखेंगे यहाँ पर 33। उसके बाद आप लोग को दिख रहा है नीचे इसका टिंट, इसका टिंट को भी करेंगे यहाँ पर माइनस। कितना माइनस करेंगे दोस्तों? इसका टिंट को माइनस करके रख देंगे यहाँ पर 31। उसके बाद आप लोग को दिख रहा है नीचे इसका वाइब्रेंस, इसका वाइब्रेंस को भी करेंगे यहाँ पर इंक्रीज। कितना इंक्रीज करेंगे दोस्तों? इसका वाइब्रेंस को इंक्रीज करके रखेंगे यहाँ पर 32। उसके बाद इतना करने के बाद अभी हम जाएंगे ऊपर पे मिक्सिंग कलर पे। आने के बाद जो ये रेड कलर है इसको चूज कर लीजिएगा, और रेड कलर को चूज करके जो इसका ह्यू है इसको कर दीजिएगा यहाँ पर माइनस। माइनस कितना रखेंगे? 94। और इसका जो सैचुरेशन है इसको कर देंगे इंक्रीज। कितना इंक्रीज करेंगे दोस्तों? इसको रखेंगे इंक्रीज करके 35। अभी हम जाएंगे ऑरेंज कलर पे, और ऑरेंज कलर पे आने के बाद जो इसका सैचुरेशन है इसको करेंगे माइनस। कितना माइनस करेंगे दोस्तों? इसको माइनस करके रखेंगे 36। उसके बाद इतना करने के बाद जो आप लोग को इसका नीचे लिमोनस है इसको भी कर देना यहाँ पर इंक्रीज। कितना इंक्रीज करेंगे दोस्तों? इसको रखेंगे 20। उसके बाद जाएंगे हम येलो कलर पे, और येलो कलर पे आने के बाद जो इसका ह्यू है इसको कर दीजिएगा -100, और इसका सैचुरेशन है इसको भी कर दीजिएगा -100। उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों आएंगे ग्रीन कलर पे, और ग्रीन कलर पे आने के बाद इसका भी ह्यू को -100, और इसका सैचुरेशन को भी कर दीजिएगा -100। उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इसका जो लिमोनस है इसको कर देंगे माइनस। कितना करेंगे? माइनस करके 18 रखेंगे। उसके बाद अभी हम जाएंगे इसका बगल पे स्काई कलर पे, और स्काई कलर पे आने के बाद जो इसका दिख रहा है ह्यू इसको भी कर देंगे यहाँ पर -100, और इसका सैचुरेशन है इसको भी कर देंगे -100। उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों आप लोग को दिख रहा नीचे इसका लिमोनस, इसको भी कर देंगे यहाँ पर थोड़ा सा माइनस। कितना माइनस करेंगे इसको? इसको रखेंगे 13। उसके बाद जाएंगे हम इसका बगल पे, जाएंगे ब्लू कलर पे, और ब्लू कलर पे आने के बाद जो इसका ही हुआ है इसको भी कर देंगे -100, और इसका सैचुरेशन को भी कर देंगे -100। उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, इसका लिमोनस को भी करेंगे यहाँ पर माइनस करके 23। उसके बाद इतना करने के बाद जाएंगे हम कहाँ पता है, जाएंगे ये वाला कलर पे, और ये वाला कलर पे आने के बाद इसका भी ह्यू को कर देंगे -100, और इसका सैचुरेशन को भी कर देंगे यहाँ पर -100। उसके बाद इतना करने के बाद जो इसका लिमोनस है इसको भी कर देंगे यहाँ पर माइनस करके, इसको रखेंगे यहाँ पर 26 के करीब रख लीजिएगा। उसके बाद डन कर देंगे फोटो को, डन करके आ जाएंगे बैक। उसके बाद बैक आने के बाद अभी हम जाएंगे कहाँ पता है, अभी हम जाएंगे इफेक्ट वाला ऑप्शन पे, और इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आने के बाद जो आप लोग को दिख रहा है इसका टेक्सचर इसको करेंगे प्लस। कितना प्लस करेंगे दोस्तों? इसको रखेंगे 12। उसके बाद आप लोग को नीचे दिख रहा है इसका क्लियरिटी, इसका क्लियरिटी को भी करेंगे यहाँ पर इंक्रीज प्लस। कितना करेंगे? इसको रखेंगे 16। उसके बाद आप लोग को नीचे दिख रहा है इसका डीएच, इसका डीएच को भी करेंगे यहाँ पर इंक्रीज। कितना करेंगे दोस्तों? इसका डीएच को करेंगे इंक्रीज करके 14। उसके बाद आप लोग को दिख रहा है नीचे इसका विगनेट, इसका विगनेट को भी करेंगे यहाँ पर माइनस। कितना माइनस करेंगे दोस्तों? इसका विगनेट को माइनस करेंगे यहाँ पर 36। उसके बाद आप लोग को दिख रहा है नीचे इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट को भी करेंगे यहाँ पर माइनस। कितना माइनस करेंगे दोस्तों? इसको करेंगे 13। उसका आप लोग को नीचे दिख रहा है इसका फैदर, इसका फैदर को छोड़ देंगे, राउंडनेस को छोड़ देंगे, हाईलाइट को छोड़ देंगे, ग्रेन को छोड़ देंगे। उसको जाएंगे अभी हम डिटेल वाला ऑप्शन पे, और डिटेल वाला ऑप्शन पे आने के बाद जो आप लोग को दिख रहा है इसका शार्पिंग, इसका शार्पिंग को भी करेंगे इंक्रीज। कितना इंक्रीज करेंगे दोस्तों? इसको रखेंगे 27। उसके बाद आप लोग को दिख रहा है इसका नीचे रेडियस, तो रेडियस को छोड़ देंगे, डिटेल को करेंगे कितना करेंगे इसको, इसको रखेंगे 51। उसके बाद आप लोग को दिख रहा है नीचे इसका मास्किंग, इसका मास्किंग को भी करेंगे इंक्रीज। कितना इंक्रीज करेंगे? इसको रखेंगे 19। उसके बाद आप लोग को नीचे दिख रहा है इसका राउंड नॉइज डिटेक्शन, इसको करेंगे यहाँ पर कितना प्लस करके रखेंगे इसको 21। उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों इसका डिटेल है इसको भी कर देंगे इंक्रीज। कितना करेंगे? इसको रखेंगे 63। उसके बाद आप लोग को दिख रहा है नीचे इसका कॉन्ट्रास्ट, तो इसका कॉन्ट्रास्ट को भी करेंगे इंक्रीज। कितना रखेंगे? इसको रखेंगे 16। उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों इसका जो कलर डिटेक्शन है इसको भी कर देंगे यहाँ पर इंक्रीज। कितना करेंगे? इसको रखेंगे लगभग 15 के करीब। उसके बाद इतना करने के बाद जो इसका डिटेल है इसको भी कर देंगे लगभग यहाँ पर इंक्रीज करके 64, और जो इसका स्मूथनेस है इसको भी कर देंगे यहाँ पर इंक्रीज। कितना इंक्रीज करेंगे? इसको रखेंगे लगभग 60
63 के करीब। उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फोटो एकदम बन के मेरा रेडी हो गया है दोस्तों। आप लोग भी ऐसा फोटो एडिटिंग कर पाइएगा, लेकिन आप लोगों को वीडियो को देखना पड़ेगा, वीडियो पर रुकना पड़ेगा, तभी आप ऐसा फोटो एडिटिंग कर पाइएगा। अगर आप वीडियो को नहीं देखते हैं ना तो आप ऐसा फोटो एडिटिंग कतई नहीं कर सकते हैं। वीडियो को देखना है, वीडियो पर रुकना है, तभी आप कर पाएंगे। तो इस फोटो का हम अगर सेव पर क्लिक करेंगे दोस्तों, सेव करके सेव टू डिवाइस कर लेंगे। इस फोटो मतलब एक्सपोर्ट हो गया है मेरा गूगल यहाँ पर, मतलब गैलरी पे, सॉरी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। लेकिन और एक बात, आप लोग वीडियो को फुल्ली वॉच करिएगा, तभी सीख पाइएगा।